नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने सोनिया गांधी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 6 अक्टूबर को, मतलब कि कल, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल उन्होंने सम्मिलित वो किया है अपने आप को कर्नाटक में, तब से हर तरफ एक ही चर्चा है, सोनिया गांधी। इसे मैंने सोचा कि कुछ जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है सोनिया गांधी के बारे में, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को उनके जीवन के बारे में नहीं पता होता, और सोशल मीडिया पे इतना अधिक झूठ फैला रखा है उनके बारे में कि इसलिए सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो आइए सोनिया गांधी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था, लुसियाना नाम का एक जगह था वहां पे, 9 दिसंबर 1946 को। तो मतलब वो अभी कुल मिला के 75 ईयर्स की हैं, 75 साल की। अब हम जब अगर बात करें उनके परिवार के, तो उनके जो पिता हैं वो रशियन आर्मी की तरफ से जर्मन सेना के खिलाफ लड़े थे। उनके पिता का नाम स्टेफानो था। सोनिया गांधी का जो हम लोग जिंदगी जो हम लोग ये जानते हैं, उनके बारे में बचपन से ये कहा जाता है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन जो सबसे खास बात है उनके जीवन का वो ये है कि उन्हें भाषाओं में बहुत अधिक दिलचस्पी है। जैसे वो स्पेनिश बहुत अच्छा बोल लेती थी, रूसी भाषा भी उन्हें आता था, उसके अलावा वो फ्रेंच भी बोलती थी। इसलिए जब इंदिरा गांधी से वो पहली बार मिली तो इंदिरा गांधी ने उनसे फ्रेंच में बातचीत किया, क्योंकि वो इंग्लिश में उस टाइम तक उतना अधिक परिपक्व नहीं हो पाई थी। तो राजीव गांधी से जो उनका मुलाकात है, राजीव गांधी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे हुए, वो उनके इंग्लैंड में हुआ जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। तो कैम्ब्रिज में ही, चूंकि सोनिया गांधी जब वहाँ आई तो होमसिक थी, और वहाँ पे वो एक अंग्रेज के यहाँ जो है, मैंने इंग्लिश कपल के यहाँ एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी, तो वहाँ पे उनको अपने देश के खाना खाने का इच्छा बहुत होता था, जैसे कि हम सबको होता है। तो इसलिए वो क्या था कि वहाँ कोई इटालियन रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन एक ग्रीक रेस्टोरेंट था, जहाँ पे चूंकि ग्रीक का खाना, जिसको हम लोग यूनान बोलते हैं, तो चूंकि ग्रीक का खाना और जो इटालियन खाना है वो इन दोनों में बहुत समानता है, इसीलिए सोनिया गांधी भी वहाँ गई हुई थी। और उसी दौरान उनका जो मुलाकात है वो राजीव गांधी से हुआ, क्योंकि वो भी वहाँ जाया करते थे। सोनिया गांधी ने माना कि जब वो पहली नज़र में ही उन्होंने जब राजीव गांधी को देखा, तो उनका कहना था कि वो बेहद ही खूबसूरत, डैसिंग, हैंडसम राजीव गांधी से उनको इश्क हो गया था। और राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया कि वो भी उनका लव एट फर्स्ट साइट ही था। तो इस तरीके से जो है इन लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है सोनिया गांधी राजीव गांधी को लेकर इटली भी गई अपने माता पिता से मिलवाने। वहाँ पे राजीव ने सीधे सीधे खुला प्रस्ताव रखा कि वो जो सोनिया गांधी के पिता स्टेफानो से, उनके सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो सोनिया गांधी से शादी करना चाहते। इस पे सोनिया गांधी के पिता का ये कहना था कि इसका एक शर्त है, आप लोग पहले 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहेंगे, और 1 साल के बाद भी अगर आप दोनों के बीच इस रहा तो उसके बाद आप दोनों का शादी करवा दिया जाएगा। क्योंकि जो सोनिया गांधी के पिता हैं वो इस रिलेशन से खुश नहीं थे, उनको लगा था कि 1 साल के दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी या कुछ और हो जाएगा, इस तरीके से इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट, और इन दोनों का प्यार और अधिक परवान चढ़ता गया, और इस तरीके से जो है फिर सोनिया गांधी और राजीव गांधी का शादी हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, 1 साल बीतने के बाद भी जो है उनके जो सोनिया गांधी के पिता स्टेफानो वो इस शादी के लिए एग्री नहीं थे, और इसलिए जो सोनिया गांधी के शादी में जो रस्म अदायगी होता है वो उनके मामा ने किया था। सोनिया गांधी के जुड़ी एक बेहद दिलचस्प घटना है कि जब वो शादी के लिए इंडिया आई थी तो बहुत सुबह उनका हवाई जहाज था, और उनको रिसीव करने के लिए राजीव गांधी अपने दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ गए थे। तो चूंकि जब उनको रिसीव करने पहुंचे तो बहुत ही सुबह था, तो इसलिए राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन ने सोचा कि इतना सुबह जाकर इंदिरा गांधी जी को जगाना ठीक बात नहीं है, इसलिए फिर इन लोगों ने उनको रिसीव किया सोनिया गांधी को, और पूरा दिल्ली में जो जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, वो सारा कुछ दिखाते हुए जो उनको फिर जाके इंदिरा गांधी से मुलाकात करवाया, और बाद में शादी से पहले जो है वो अमिताभ बच्चन के घर पे ही ठहरे। तो ये उनका एक जीवन है, मतलब 1968 में शादी हुआ श्रीमती सोनिया गांधी का राजीव गांधी से, और फिर राहुल गांधी और उनके दो बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जीवन का जो सबसे निर्णायक मोड़ है वो उस समय पे आता है जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और फिर सारे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैं और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब कहने लगते हैं राजीव गांधी को कि अब आप जो है इसका जिम्मेवारी संभालिए, अब आप कांग्रेस की कमान संभालिए।
उस पर सोनिया गांधी पूरी तौड़ पे उनको मना करती हैं राजीव गांधी को कि आप ये पोस्ट मत लीजिए क्योंकि आपको वो लोग मार देंगे। इस पर राजीव गांधी ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि अभी तो एक फिलहाल उनका ड्यूटी है कि देश का प्रधानमंत्री बने और देश के लिए जो हो सकता है वो सब कुछ करें, और दूसरा उनका कहना था कि जिनको उनको मारना है वो उनको ऐसे भी मार देंगे। और वो बात बिल्कुल सही हुआ। राजीव गांधी का मौत तब हुआ जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब राजीव गांधी को ये बात मना करने के बावजूद, जो सोनिया गांधी ने मना किया था, फिर भी राजीव गांधी ने ये डिसीजन लिया और उनका खामियाजा उनको 1991 में भुगतना पड़ा जब LTTE ने एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनको उड़ा दिया और इस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हो गई श्री पेरम्बदूर में जो कि आज के तमिलनाडु में। तो इस तरीके से जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तभी कांग्रेस के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो उसके जितने शीर्ष नेता थे वो कहने लगे सोनिया गांधी से कि अब आप जो है कमान संभालिए। वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया था कि अब मैं राजनीति में एंट्री नहीं करूँगा और किसी भी कीमत पे उस समय उन्होंने पोस्ट लेने से मना कर दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि सो PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री, जिसका हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद वो कुछ वर्षों तक राजनीति से बिल्कुल दूर रही। और उसके बाद क्या हुआ कि सो 1996 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी हार गई और फिर कांग्रेस का ढलान शुरू हो गया। कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने सीताराम केसरी, वो कांग्रेस पार्टी पर लायबिलिटी बन चुके थे क्योंकि जो दक्षिण के नेता थे या जो नॉर्थ ईस्ट के नेता थे उनसे उनको कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और फिर जाकर मीन्स कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं के मनाने पर, जैसे कि दिग्विजय सिंह हुए, अर्जुन सिंह हुए, इन सब के कहने पे जो है 1997 में जो है सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और 1998 में वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गई। और उसके बाद से जो है वो लगातार 22 साल तक, मतलब 2017 तक जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी रही, जिसके बाद जो है उनके पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। अब सोनिया गांधी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि 2004 में सबको ऐसा लग रहा था कि तो BJP का जो इंडिया साइनिंग का नारा है वो सफल हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी फिर से सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और UPA जीत गई और इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। जब लोगों ने ये बात तय किया और जब सारे कांग्रेस के जो सांसद थे, चुने हुए सांसद, सबका यही मानना था कि जो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो सोनिया गांधी ग्रहण करें क्योंकि वो इस पद के लिए सबसे अधिक फेवरेबल कैंडिडेट थी, लेकिन उन्होंने एक पूरे तरीके से इस बात को लेकर मना कर दिया कि वो अब कांग्रेस भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। और उन्होंने क्लियर कट अपने स्पीच में कहा कि पिछले 7 साल से उनके मन में ये बात पूरी तरीके से क्लियर थी कि सो वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए इस बात को जाहिर किया। और उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो उनका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। उसके बाद 2009 में वापस से जो है UPA सरकार बनी और उसमें कांग्रेस को 206 सीटें आई। तो इस तरीके से जो है उनके रहते ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत ग्रोथ को पाया। लेकिन जब 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, उसके बाद 2016 तक तो कई सारे स्टेट्स में जीते गए, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ढलान शुरू हुआ और 2017 में जाकर जो है राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हीं की अध्यक्षता में 2019 का चुनाव हुआ लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर हार गई। तो ये था मतलब सोनिया गांधी के बारे में। कई लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उनका इंदिरा गांधी से कैसा संबंध था, तो मैं आपको बता दूं, उनका अपने सास इंदिरा गांधी से बहुत ही अच्छा संबंध था। और ऐसा कहते हैं कि जब, क्योंकि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को शुरू में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि राजीव गांधी को भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो ऐसा हुआ कि संजय गांधी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए और उसके बाद जो है सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया कि सो अब जो उनका जो वारिस है, मतलब जो पॉलिटिकल हायर है जो संजय गांधी का, वो अब राजीव गांधी होंगे। इस तरीके से राजीव गांधी का राजनीति में एंट्री हुआ। और ऐसा है कि जब इमरजेंसी के बाद सोनिया गांधी को अपने आवास से हटा के एक छोटे से बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था, तो उस दौरान जो है सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के बीच बहुत ही करीबी संबंध रहे और दोनों सास बहू के बीच संबंध बेहद ही अधिक मधुर रहे, जबकि इंदिरा गांधी का जो अपनी दूसरी बहू मेनका गांधी के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था। तो ये रहा सोनिया गांधी के जीवन का। उनका कुछ इल्ज़ाम ये लगता है कि सो
जब वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन बनी 2010 में, तो इससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कुछ पावर कम हुआ, ऐसा उन पर ये चीज इल्ज़ाम लगता है। तो उनके जीवन के साथ कुछ विवाद भी जुड़ा रहा, लेकिन अगर आप भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो एक इटली से आई हुई महिला जिसको कि 2008 में जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं में उनको शामिल किया था, फोर्स मैगजीन ने उनको कई बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि विदेश से आई हुई महिला एक टाइम 2004 में लगभग भारत की प्रधानमंत्री बन ही गई थी, लेकिन उन्होंने खुद से इस पद को लेने से इनकार कर दिया। तो अभी वो 75 साल की हैं और अभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इसी महीने जो है कांग्रेस का अगला अध्यक्ष पद का अगला चुनाव होने वाला है और अब देखते हैं कि कांग्रेस का कमान जो है किसके हाथों में जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।